अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान मेहरबानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन भाइयों का मिसाल देकर उम्मत को समझाई ताकि उम्मत समझ जाए, उम्मत सुधर जाए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे सहाबा को जमा करके एक मिसाल बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान जब इंतकाल होता है तो उसके सामने तीन शक्लां, एक तीन भाइयों के, उसके तीन भाइयों के शक्ल में उसके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहला भाई से पूछेगा वो कि मेरा भाई, मैं सुखत इंतकाल के वक्त करीब है तो तू मुझे क्या एहसान करेगा। तो पहला भाई कहता है कि मेरे भाई, मैं चीजें तेरे बदन में दम बाकी है तक्का, तेरे खुशी में गम में, यानी टेंशन के कामों में भी, फंक्शन के कामों में भी, खुशी में गम में, रात में दिन में, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा, चीजें साथ दूंगा। अगर तू बीमार भी हो गया तो चीज अच्छा बताने की, अच्छा कराने की कोशिश करूंगा और हर तरह से तेरे मैं मदद करूंगा, लेकिन तेरा मेरा जो निस्बत, तेरा मेरा जो ताल्लुक, तेरा मेरा जो रिश्ता है वो तेरे बदन में दम रह तक कच, बाद में तेरे वारिसों के हवाले हो जाऊंगा। तो इंतकाल होने वाला बेचारा परेशान था, तो दूसरे भाई को पूछने लगा कि भाई, ये तो भाई पहला भाई इस तरह से कहता है तो तू मुझे क्या एहसान करेगा, तू मुझे क्या मदद करेगा। दूसरा भाई कहने लगा कि भाई, तेरे बदन में दम रह तक का, तेरे खुशी में, गम में, रात में, दिन में और हर हालत में, जब तू बीमार हो गया तो जे अच्छा बुरा जो है तेरे बारे में बताने में, तेरे सेहत को अच्छा कराने में, अगर तू इंतकाल हो गया तो चीजें मैं दो पावा जो है बनूंगा और तेरे जबान को बंद करूंगा और पेट को पर नमक का जो रखती लोगा इंतकाल होने बाद इस तरह से, और चीजें दफनाने के एतबार से जितने भी इंतजाम थी वो सब मैं करूंगा और तेरे जनाजे के नमाज में मैं शामिल होऊंगा और चीजें मैं उठा लेकर जाऊंगा, तेरे जनाजे के साथ जाऊंगा और चीजें तेरे दफनाने में, तेरे दुआ में, और जो है जब वापस होते हैं और तेरी अच्छाई खूबियां मैं बोलूंगा, यहां तक खबर तक। एक भाई दम रह तक का, दूसरा भाई खबरस्तान तक। जैसा आज एक दस्तूर बन जा को है कि लोग दफनाने के बाद क्या करते हैं, खजूर खाने को आ जाते, हो गया वहां दूसरे बात में मशगूल हो जाते। तो तीसरे भाई को पूछने लगा कि भाई, अब मेरा रूह कब्ज होने का वक्त करीब आ गया, पहला भाई इस तरह से कहा, दोवां भाई इस तरह से तू बोले, और तू मुझे क्या एहसान कर सकता। तो तीसरा भाई कहने लगा कि भाई, तो जब तक दुनिया में रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे खुशी में, गम में, रात में, दिन में, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा, जब तू इंतकाल हो जाएगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा, सारे लोग जी दफना कर जो है वापस चले जाती तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब मुनकिर नकीर सवालों जवाब होगा तो उस वक्त मैं तेरी मदद करूंगा, और तेरी मेरी दोस्ती जो है जी मैं जन्नत में जाता हुआ और देखकर मैं तेरे से जुदा होऊंगा, मैं इस तरह से तेरे साथ रहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस जमाने में तमाम लोगों से पूछते हैं कि इन्हों में तीन जने में तुमना को कौसा भाई होना है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने के बाद जो है सारे सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमना तीनों भाई होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं बल्कि क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे दुनिया में तीनों भाई को पसंद करेंगे, लेकिन पहले भाई को, दोए भाई को दुनिया में ज्यादा वक्त देंगे। जैसा दुनिया के अंदर है अल्लाह ताला 24 घंटे दिए हैं, तो 8-8 घंटे एक एक भाई को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल बताए, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे तो तीनों भाई को पसंद करेंगे लेकिन तीनों भाई को साथ नहीं देंगे। अब सुन लो, वो तीन भाई कौन है, ये मिसाल क्या,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल बताए कि पहला भाई माल, मालदार के पास भी माल है, गरीब के पास भी माल है। गरीब के पास क्या माल है भाई का, तो एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में बच्चा, जेब में छिलरा, और बहुत सारे लोग जो है इंतकाल होते ना मंगलेने वाले, उनको चक्कर है तो वो लाखों के पैसे आते हैं, लेकिन मंगलेने की आदत पड़ी है वो लोगों को। ख्याल करो भाई, ख्याल करो भाई, करो लोग मोटे आती इंतकाल के बाद चक्कर है तो बहुत सारे लोग खर्चा भी देते। सख्त जरूरत है, गरीब आदमी उसे देना जरूरत है, कि एक आदत बना ले लोग। तो ये पहला भाई माल, हर एक के पास है माल। दूसरा भाई रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, सारे लोग भी हमना को कहां तक लाती, कब्रस्तान तक आती, उसके बाद है वहां जो खजूरा जो तकसीम करती है वो खाले को आ जाती, और उसके बाद जो है याद कर लेती जियारत को फुटाने के वास्ते। दसवें को बघारा खाना, बीसवें को मीठा खाना, तीसवें को सूरत देख लेना नहीं, चालीसवें को क्या है पाठा कचरी, क्या है स्पेशल बिरयानी पाठा कचरी, क्या है एक बुलाने का को लोगों को गाने रखते और स्पेशल बिरयानी बना डालती, और उसके बाद याद करते नहीं, फिर कुछ 6 महीने की बिरयानी के वास्ते याद कर लेती, फिर बरसी, उसके बाद है उसे याद करने का नहीं खत्म। अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल हुए आदमी के वास्ते कुछ है, कुरान पढ़ते, जिक्र करते, खैर खैरात जो है करते, उनको कुछ पहुंचाते, इस तरह से हमें कर नहीं सका, ऐसा कर लेते हमें अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो तीसरा जो भाई है वो दीन, पांच वक्त की नमाज, रोजा, जकात, हज, खैर खैरात, अच्छे अखलाक है, ये तमाम खूबियां दीन एक भाई की शक्ल में, अगर उसे हमें दीन को हमें साथ दी, दीन का काम करें, दीन की मेहनत करें, जिंदगी में दीन को अपनाए, दीन पर जमे रहे, तो ये एक भाई की शक्ल में हमना कयामत जो है आखिरत में दुनिया से जाने के बाद से लेकर जो है हमारे साथदारी खबर में आखिरत में साथदारी होगा। तो इसके बाद से अल्लाह वाले क्या बोलते हैं भाई, बीस पर 4 घंटे ही 8-8 घंटे बांट ले दुनिया उगले, सुबह क्या है 6 घंटे कमाओ भाई, कहते हैं इस्लाम क्या बोलता है मालूम, 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे जो है काम करने के वास्ते, व्यापार करने के वास्ते, नौकरी करने के वास्ते, और जो है नौकरी करने के वास्ते या और पूरा भी ड्यूटी करने के वास्ते जितनी भी दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं, 8 घंटे जो है घरेलू जिंदगी, 8 घंटे जो है दीन, नमाज, रोजा, जिक्र, फिक्र, तिलावत, तो सभी ये तमाम चीजें जो है 8 घंटे, इस तरह से हमें इंतजाम कर लेंगे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। इसलिए तो हमें तीसरे भाई को अपनाने की, तीसरे भाई को हमें साथ लेकर जाने की कोशिश करना, बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।